हाय दोस्तों, टॉप 10 टेक्निकल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो को कॉपीराइट क्लेम आप कैसे हटा सकते हैं। दोस्तों इतनी खुशी मुझे आज तक। अगर आपका वीडियो में अगर आपका कॉपीराइट क्लेम आ गया है तो आप सिंपली अपना फोन से आप अपना कॉपीराइट क्लेम को हटा सकते हैं दोस्तों। अरे कहना क्या चाहते हो? तो चले मैं आपको छोटा सा एक बात बता देता हूँ, कॉपीराइट क्लेम वीडियो में क्यों आता है और किस लिए कॉपीराइट क्लेम आता है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। कॉपीराइट क्लेम इसीलिए आता है यूट्यूब से किसी को भी वीडियो उठाकर और अपना यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड कर दो, जिसके कारण कॉपीराइट क्लेम देखने के लिए मिल जाता है, या किसी वीडियो में अपना किसी बैकग्राउंड म्यूजिक यूज करते हो तो उसके कारण आपका कॉपीराइट क्लेम मिल सकता है दोस्तों। तो चलिए मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपना वीडियो को कॉपीराइट कैसे क्लेम आप हटा सकते हैं। तो हटाने के लिए सिंपली आपको अपना फ़ोन में गूगल क्रोम को ओपन कर देना है। तो चलिए मैं अपना फ़ोन में गूगल क्रोम को ओपन करता हूँ। तो देखिए मेरा गूगल क्रोम ओपन हो रहा है। फिर आपको यहाँ से क्या करना है, फिर आपको यहाँ से सर्च कर देना है youtube.com, आपको यहाँ से सर्च कर देना है। तो चलिए मैं सर्च करता हूँ youtube.com। देखिए मैं जैसे ही सर्च करता हूँ तो देखिए यहाँ ब्लू कलर का लिंक टाइप आएगा, तभी आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर आप ऐसा आएगा तो आपको अगर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दो तो आपको दूसरा इंटरफेस मिलने के लिए देखने के लिए मिल जाता है। तो आपको अगर ब्लू कलर का लिंक आएगा तभी आप अपना इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप इस वाला ऑप्शन पर क्लिक कर दो फिर आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपको यहाँ से वेट कर लेना है। रुको जरा, सब्र करो। तो देखिए मैं जैसे उस वाला ऑप्शन पर क्लिक किए तो देखिए मेरा ऐसा इंटरफेस मिल गया। फिर आपको यहाँ से देखिए दिखाई देगा 3 डॉट दिखाई देगा राइट साइड में, 3 डॉट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप 3 डॉट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर दो फिर आपको सिंपली नीचे आ जाना। जैसे नीचे आएगा तो देखिए डेस्कटॉप शायद इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप इस वाला ऑप्शन क्लिक कर दो तो आपको छोटा छोटा यानी वीडियो डिवाइड में आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो देखिए मेरा यानी ओपन हो रहा। फिर आप यहाँ से क्या करना है, आपको यहाँ से जो अपना यूट्यूब चैनल में लोगो लोग आए होंगे आपको यहाँ से लोगो शो करेगा। तो देखिए आपको यहाँ से दिखाई देगा मेरा लोगो शो कर रहा है। चलिए मैं लोगो वाला ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए मैं लोगो वाला ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं लोगो वाला ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो थोड़ा सा मैं जूम करके थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ। जैसे आप लोगो वाला ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो थोड़ा सा आपको यहाँ से योर चैनल लिखा हुआ आएगा यानी ऊपर साइड में, तो आपको योर चैनल ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप लोगो वाला ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो आपको योर चैनल लिखा हुआ आएगा, योर चैनल वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। चलिए मैं योर चैनल वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। अभी मजा आएगा ना वीडियो। तो जैसे मैं योर चैनल पे क्लिक करता हूँ तो मेरा यूट्यूब का चैनल जो है मेरा ओपन हो जाता है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं दोस्तों मेरा यूट्यूब चैनल ओपन हो गया। फिर आप कहीं से देखिए थोड़ा सा मैं जूम करके दिखा देता हूँ। चलिए मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। देखिए मैं जैसे जूम करता हूँ थोड़ा सा देखिए यहाँ जूम नहीं हो रहा है। देखिए जूम हो गया। आप जैसे जूम कीजिएगा तो देखिए कस्टमाइज चैनल आपको यहाँ से लिखा हुआ आएगा, कस्टमाइज चैनल वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कस्टमाइज चैनल वाला ऑप्शन पे क्लिक करते हो आपको YouTube स्टूडियो ओपन हो खड़ा और आपको YouTube का जो सेटिंग होगा वहाँ से ओपन हो जाता है दोस्तों। तो थोड़ा सा आपको यहाँ से वेट कर लेना है। रुको जरा, सब्र करो। तो देखिए मेरा जो सेटिंग था यानी ओपन हो गया। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको थोड़ा सा चलिए मैं जूम कर देता हूँ। जैसे मैं जूम करता हूँ तो देखिए आपको यहाँ से लोगो दिखाई दे रहा होगा, कंटेंट इस वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा कंटेंट इस वाला ऑप्शन पर, जैसे ही क्लिक कीजिएगा आप अपना यूट्यूब चैनल पर जितना वीडियो अपलोड किए होंगे अगर आपका किसी भी वीडियो में कॉपीराइट होगा तो यहाँ से शो करेगा। तो चलिए मैं कंटेंट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो मैं जितना अपना यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड किया हूँ मेरा सभी वीडियो यहाँ शो करेगा। तो देखिए मेरा सभी वीडियो यहाँ शो कर रहा है दोस्तों। अगर आपका वीडियो और शो नहीं करेगा तो आपको यहाँ से देखिए नीचे आ जाना है। जैसे नीचे आएगा तो देखिए रो पर पेज आपको यहाँ से दिखाई देगा। देखिए दिखाई दे रहा रो पर पेज, आपको इस वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस वाला ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ से 50 वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप 50 वाला ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो आपको फिर आपको द्वारा 50 वीडियो मैंने ओपन होगा। आपको ऐसी कर करके आपको अपना पूरा वीडियो को ओपन कर लेना दोस्तों। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको देख लेना कि आपका कौन सा वीडियो में कॉपीराइट क्लेम आया है। आप यहाँ से देख सकते हैं, देखिए यहाँ मेरा काफ़ी वीडियो में कॉपीराइट क्लेम नहीं आया है। अगर आपका यहाँ कॉपीराइट क्लेम आता तो यहाँ नन की जगह कॉपीराइट क्लेम लिखता है दोस्तों।
चलिए मैं इसी तरह से मैं अपना दिखा देता हूँ कि कौन सा वीडियो मेरा कॉपीराइट क्लेम आया है। तो देखिए दोस्तों, देख सकते हैं मेरा ये कॉपीराइट क्लेम आया है, आप यहाँ से देख सकते हैं। चलिए मैं इस वाले वीडियो मेरा कॉपीराइट क्लेम आया है। चलिए मैं इस वीडियो को मैं ओपन कर देता हूँ, थोड़ा सा मैं जूम करके दिखा देता हूँ। चलिए मैं इस वीडियो को मैं ओपन कर देता हूँ। तो देखिए मेरा प्रोसेस चालू हो गया। तो देखिए मेरा वीडियो ओपन हो गया। जैसे आप उस वाला ऑप्शन क्लिक कीजिएगा, यानी वीडियो वाला ऑप्शन क्लिक कीजिएगा, तो आपका यानी फिर आपका ऐसे राइट साइड में यानी आ जाना है, इधर आइएगा। जैसे आप राइट साइड में आइएगा तो आपको कॉपीराइट क्लेम दिखाई दे रहा होगा, कॉपीराइट क्लेम वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप कॉपीराइट क्लेम वाला ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो देखिए सी डिटेल्स वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सी डिटेल्स ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो आपको देखिए ऐसा इंटरफेस मिल जाता है देखने के लिए दोस्तों। जैसे आप सी डिटेल्स ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो आपको ऐसा इंटरफेस मिल जाता है दोस्तों। तो चलिए मैं अब आपको मैं दिखाता हूँ कि कॉपीराइट क्लेम। देखिए मेरा वीडियो में यहाँ देख सकते हैं जितना मेरा व्हाइट कलर की यानी बैकग्राउंड से घिरा हुआ है, मेरा इतना वीडियो में मेरा कॉपीराइट क्लेम आया हुआ है दोस्तों। अगर आपका जितना व्हाइट में यानी आपका यानी घेरेगा तो समझ जाएगा कि आपका वहाँ से पार्ट यानी कॉपीराइट क्लेम दिया गया है। तो यानी मेरा वीडियो में लगभग मेरा सभी वीडियो में यानी देख सकते हैं कि मेरा कॉपीराइट क्लेम आ चुका है दोस्तों। तो चलिए मैं आपको यहाँ से रिमूव करके दिखाता हूँ और कॉपीराइट क्लेम मैं आपको हटा के दिखाता हूँ। तो आपको यहाँ से फिर आपको यहाँ से राइट साइड में आ जाना, तो देखिए दिखाई देगा सिलेक्ट एक्शन, आपको इस वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना। चलिए मैं इस वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप इस वाला ऑप्शन क्लिक कर दो तो आपको यहाँ से तीन तरह का आपको यहाँ से ऑप्शन दिखाई देता है। पहला है ट्रिम और सेगमेंट, आप इन आपको देख सकते हैं रिप्लेस सॉन्ग, और आप यहाँ देख सकते हैं म्यूट सॉन्ग, आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर आप अपना कॉपीराइट वीडियो को क्लेम हटाना चाहते हो तो आप यहाँ से ट्रिम आउट वाला, जैसे आप इस वाला ऑप्शन क्लिक कीजिएगा तो आपका जितना कॉपीराइट क्लेम होगा आप वहाँ से यानी कट जाता है। तो अगर आपका वीडियो कट जाएगा तो यानी आपका देखने में और आपको सुनने में अच्छा नहीं लगेगा दोस्तों। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अगर आप ट्रिम टू उस वाला ऑप्शन पर क्लिक कर दो यानी ट्रिम और सेगमेंट वाला ऑप्शन में क्लिक कीजिएगा तो आपका वो जितना कॉपीराइट का क्लेम का पार्ट है यानी वहाँ से हट जाता है दोस्तों। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको पार्ट नहीं काटना है, अगर आप काटना चाहते हो तो काट सकते हो। अगर आपका छोटा पार्ट होगा कॉपीराइट क्लेम आया हुआ तो आप यहाँ से काट के भी हटा सकते हो दोस्तों। अगर आपका पूरा वीडियो में कॉपीराइट क्लेम आ गया हुआ तो आपको यहाँ से काट कर आपको कॉपीराइट क्लेम को नहीं हटाना है दोस्तों। तो चलिए मैं यहाँ रहने देता हूँ, मैं आपको बताता हूँ यहाँ से कि मैं कैंसिल कर देता हूँ। मैं आपको बताता हूँ अगर आप किसी वीडियो को कॉपीराइट क्लेम को हटाना चाहते हो तो सिंपल से आपको क्या करना है, आपको यहाँ से चलिए मैं आपको बताता हूँ। फिर से मैं उस ऑप्शन पर मैं क्लिक कर देता हूँ। देखिए मैं आपको बता देता हूँ सिंपल सा, आप जो वीडियो को कॉपीराइट क्लेम हटाना चाहते हो तो आपको सिर्फ अपना क्या करना है, अपना रिप्लेस सॉन्ग के द्वारा आप यहाँ से हटा सकते हैं दोस्तों। अगर आप अपना मान लीजिए आपका वीडियो में सॉन्ग की वजह से कॉपीराइट क्लेम आया तो यहाँ से रिप्लेस सॉन्ग वाला ऑप्शन में क्लिक कीजिएगा तो आपका यूट्यूब देता है कि काहे को आपको यहाँ से यूट्यूब देता है अपना सॉन्ग के, अगर आप उस यूट्यूब के मतलब सॉन्ग को भी आप यूज करके अपना वीडियो को कॉपीराइट क्लेम हटा सकते हैं। अगर मान लीजिए कॉपीराइट क्लेम अगर सॉन्ग की वजह से नहीं आया है या सॉन्ग की वजह से आया है, किसी को सॉन्ग भी यूज कर लिए हैं, तो अगर आप अपना सॉन्ग को बंद करना चाहते हो यानी म्यूट करना चाहते हो तो म्यूट वाला ऑप्शन पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपका पूरा सॉन्ग यानी म्यूट हो जाता है दोस्तों। तो आपको ये नहीं करना है, आपको रिप्लेस सॉन्ग वाला ऑप्शन पर यानी दूसरा वाला ऑप्शन पर क्लिक करके अपना वीडियो को कॉपीराइट क्लेम को हटा देना है दोस्तों। चलिए मैं रिप्लेस सॉन्ग वाला ऑप्शन पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो देखिएगा मेरा यहाँ से यूट्यूब खुद ही देता है यूज करने के लिए कि मेरा सॉन्ग को यूज करो यानी मेरा वीडियो को यूज करो, आपका कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा वीडियो में दोस्तों। तो देखिए यहाँ थोड़ा सा वेट कर लेना है, मेरा ओपन हो रहा है, खुद ही यूट्यूब देगा मेरा कॉपीराइट क्लेम, खुद ही यूट्यूब देगा मेरा वीडियो यूज करने के लिए। आप अपना देखिए देख सकते हैं ये यूट्यूब की तरह से यहाँ से वीडियो है, आप किसी भी वीडियो को मनपसंद से यानी से प्ले करके आप सुन सकते हैं और अपना वीडियो में यूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं किसी भी एक में मनपसंद से सुन लेता हूँ। तो दोस्तों यह सॉन्ग मेरा अच्छा लग रहा है, चलिए मैं इस सॉन्ग को मैं अपना वीडियो में ऐड कर लेता हूँ। अगर आपका जो सॉन्ग अच्छा लगेगा तो आपको इसे प्ले करके देख लेना है आपका कौन सा सॉन्ग अच्छा लग रहा है। जो आपका सॉन्ग अच्छा लगेगा दोस्तों तो आपको इसे ऐड वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप ऐड वाला ऑप्शन क्लिक कीजिएगा तो देखिए आप यहाँ देख सकते हैं यानी मेरा यानी सॉन्ग यहाँ लग चुका है। चलिए मैं थोड़ा सा छोटा मैं कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों मेरा सॉन्ग लग गया, जो मैंने ऐड किया था तो मेरा सॉन्ग लग गया। तो आपका पूरा वीडियो में कॉपीराइट क्लेम था तो आपको यहाँ पूरा सॉन्ग को पूरा यानी लगाना है, तभी आप अपना कॉपीराइट क्लेम को हटा सकते हैं। अगर
छोटा अगर छोटा सा पार्ट रहता तो मैं रहने देता, तो आपको यहाँ से इस वाला ऑप्शन क्लिक कर देना है। जैसे आप इस वाला ऑप्शन क्लिक करते हो तो आपका यानी पूरा वीडियो में ये सॉन्ग ऐड हो जाता है। फिर आपको यहाँ से सिंपली क्या करना है, फिर आपको यहाँ से दिखाई दे रहा होगा राइट साइड में ऊपर दिखाई दे रहा होगा सेव वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव वाला ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो फिर आपको यहाँ से कन्फर्म यानी सेव करने के लिए आता है। आपको यहाँ सेव वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना दोस्तों। तो चलिए मैं सेव वाला ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं सेव वाला ऑप्शन क्लिक करता हूँ तो मेरा यानी ये वीडियो सेव हो गया। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको यहाँ से एक से दो घंटा आपको यहाँ से वेट कर लेना दोस्तों। इतनी खुशी मुझे आज तक। यहाँ से आप अपना कॉपीराइट क्लेम को हटा दिए, लेकिन अभी तक आपका यूट्यूब वाले ने कॉपीराइट क्लेम नहीं हटाया दोस्तों। चलिए मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ मेरा जो मैं वीडियो में कॉपीराइट क्लेम हटाया हूँ। देखिए आप देख सकते हैं मेरा लिख रहा है चेकिंग वन फाउंड एंड कॉपीराइट क्लेम मैं हटा दिया हूँ, तो यहाँ से हट गया है। लेकिन यूट्यूब वाले की तरफ से अभी नहीं हटा है, वहाँ प्रोसेस चालू है। एक से दो घंटा आपको यहाँ से इंतज़ार कर लेना है, तभी आपका कॉपीराइट क्लेम हट सकता है दोस्तों। तो दोस्तों आप यहाँ से सिंपली आपका जितने वीडियो में कॉपीराइट क्लेम है आप यहाँ से दोस्तों हटा सकते हैं दोस्तों। तो अगर आपको कॉपीराइट क्लेम हटाना आ गया होगा और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। मैं इसी तरह से नॉलेज वेज और सक्सेसफुल वीडियो इस चैनल पर वीडियो बनाकर लाता रहता हूँ दोस्तों। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।